हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति के बारे में देखेंगे। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें से एक या दो नंबर आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। इसी तरह के लेक्चर में हम लोग पूरा 1857 से 1947 तक का कार्यकाल देखेंगे कि 1857 के बाद क्या क्या चेंजेस आए, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना, पीजेंट मूवमेंट, गांधी जी का आगमन, सारे जितने भी जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, जितने भी चीज़ें हुई हैं 1857 को 1947 में हम लोग देखेंगे। आज के सीरीज ऑफ लेक्चर में हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति के बारे में देखेंगे, ठीक है। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मुख्य बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। पहला, प्रमुख बिंदु, पहला इसमें इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन में कौन प्राइम मिनिस्टर था। तो कौन सा प्राइम मिनिस्टर था? वो प्राइम मिनिस्टर थे पाल्मस्टन। ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। सेकंड पॉइंट, उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कनिंग। अब कैसे याद रखना है लॉर्ड कनिंग? आपको एक बार बता दें, कनिंग का मतलब होता है कब इंग्लिश में धूर्त, चालाक। तो याद रखें, धूर्त चालाक, जो चालाक होगा वही इतना बड़े रिवॉल्ट को करा सकता है, हो सकता है, मतलब उनके शासन में हो सकता है। तो इस तरह से कुछ भी अपने से बना के याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कनिंग उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल थे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, लॉर्ड कनिंग से पहले, क्योंकि देखिए 1857 जो है वो बहुत इमीडिएट इफेक्ट से नहीं हुआ था, मतलब जो तुरंत की स्थिति के ऊपर नहीं हुआ था, पहले भी चीज़ें होती आई थी जिसके वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट और आ जाते हैं नाम इसमें, लॉर्ड डलहौजी। इनके कार्यकाल में दो तीन चीज़ें हुई, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात हड़प नीति, ठीक है। इनके ही कार्यकाल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। इनके ही कार्यकाल में 1853 में मुंबई टू थाने फर्स्ट रेल हमारा शुरू हुआ था, ठीक है। तो इस लॉर्ड डलहौजी को भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है इनका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में, हड़प नीति के बारे में। हम लोग देखेंगे कैसे राजा महाराजाओं के जो शासक थे, उनका इस हड़प नीति से उनका जो भी एरिया था जहाँ पे वो राज किया करते थे, कैसे लिया गया, जैसे सतारा हुआ, अवध हुआ, झांसी हुआ, इस हड़प नीति के तहत वो ब्रिटिश अपने में शामिल किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखेंगे हम लोग, थर्ड पॉइंट देखेंगे उस समय मुगल एम्परर कौन थे? तो याद रखना है आप लोगों को, बहादुर शाह जफर। जफर जो है इनका पेन नेम हुआ करता था, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या, ये लास्ट मुगल एम्परर थे। क्यों थे? कि 1856 में क्या होता है कि लॉर्ड कनिंग ये एक्ट ले आते हैं, जिसके बाद ये होता है कि अब भारत में कोई भी एम्परर नहीं होगा, सम्राट नहीं बनेगा, उनके जो भी बच्चे होंगे वो प्रिंस कहलाएंगे। और वो उनको जो है सब्सिडरी अलायंस, जो कि वेलेसली के द्वारा लाया गया था, सहयोग नीति, जिसके तहत ब्रिटिश जितने भी मुगल सम्राट हैं, जो जितने भी मुगल की प्रॉपर्टी है, चीज़ें हैं, या तो मुगल हैं, वो मुगल एम्परर जो हैं उनके कंट्रोल में आ जाएंगी, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं विद्रोह का प्रतीक क्या रखा गया था।
विद्रोह का प्रतीक, विद्रोह का प्रतीक। विद्रोह का प्रतीक। सिंबल ऑफ, सिंबल ऑफ रिबेल, सिंबल ऑफ रिबेल क्या रखा गया था? रोटी और कमल, रोटी और कमल, ठीक है। ये एक तरह का सिंबल ऑफ रिबेल रखा गया था, विद्रोह का प्रतीक रखा था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको हमको याद रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, कौन सा मुगल सम्राट था, उस समय ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर कौन था, ठीक है। ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती है डायरेक्ट एग्ज़ाम में। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, अभी जो क्लास, अभी हम लोग आगे कारण देखेंगे, कॉज देखेंगे, इमीडिएट इफेक्ट, उसमें पॉलिटिकल कॉज क्या रहा, इकोनॉमिकल कॉज क्या रहा, सामाजिक धार्मिक कॉज क्या रहा, इनके बारे में हम लोग देखेंगे उसमें, ठीक है। उससे पहले स्वरूप के बारे में हम लोग देखते हैं कि इस विद्रोह का अलग अलग इतिहासकारों में क्या क्या स्वरूप था। इंडियन जितने भी हिस्टोरियन थे, राइटर थे, उन्होंने उसे 1857 की क्रांति को एक क्रांति नाम दिया, क्रांति नाम दिया, विद्रोह, विद्रोह, स्वतंत्रता के लिए आज़ादी। ये सब नाम जो है इंडियन हिस्टोरियन दिए थे, लेकिन जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे वो इसे एक सैनिक विद्रोह के जैसा देखते थे कि सैनिक विद्रोह है, सैनिक विद्रोह थे कि सैनिक किसी बात पे जो है नाराज़ थे, उसी में उन्होंने विद्रोह किया। ये बात जो है सारे ब्रिटिश हिस्टोरियन, अधिकतर ब्रिटिश हिस्टोरियन कहते थे। इसमें सारे बहुत लोगों के हम नाम लिखेंगे, कौन किसने क्या कहा, ठीक है। जैसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा, तो याद रखना है हम लोग को वी डी सावरकर, उसका भी मैं लिस्ट दूंगा थोड़े देर में जब कंप्लीट हो जाएगा, तो लिस्ट दूंगा जिसमें आपको कौन क्या कहा है उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जितने क्रांति, विद्रोह, स्वतंत्रता, ये सब जो हैं इंडियन हिस्टोरियन जैसे एम सी मजूमदार वगैरह ने इसमें दिया है अपना व्यू कि ये क्रांति था, विद्रोह था, स्वतंत्रता था, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके कारण को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसके कारण क्या क्या रहे। हम लोग अभी अगर पूछा जाए कि अगर 1857 का बात क्या रहा, तो हम लोग ये तुरंत बोल देते हैं कि जो कार्टिजेज यूज़ किए जाते थे, जो गोली यूज़ की जा रही थी, वो गाय और सुअर की चर्बी से इस्तेमाल की जा रही थी। लेकिन ये एक इमीडिएट इफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि तुरंत अगर ऐसा हुआ तो लोग विद्रोह कर गए, नहीं, ये चला आ रहा था 1803 के बाद से मोस्ट प्रोबेबली, या तो 1757 के बाद ही जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, तो इसके बाद अंग्रेजों ने जो मतलब अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर हम अंग्रेज बोल रहे हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे हैं, तो अभी आप समझना है कि हम इंग्लिश EIC की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, क्योंकि अभी तक जो है सारा जो है EIC के हाथों में था। 1857 के बाद 1858 में जो है, 1858 में जो है ये कंपनी रूल हो जाता है, सॉरी क्राउन रूल हो जाता है, क्राउन रूल हो जाता है, ठीक है। अभी तक ये सारे EIC के हाथ में चीज़ें हैं, ठीक है। तो 1857 के बाद ही सारी चीज़ें कंट्रोल की जाने लगी थी, ठीक है। इनके उसी तरह से एक्ट बनते थे, ठीक है, कानून बनाए जाते थे जिससे इन्हें कंट्रोल करने में आसानी हो, ठीक है। तो हम लोग अब कारण के बारे में देखेंगे। कारण के बारे में देखते हैं। कॉज, ठीक है, क्या क्या कारण रहे, क्या क्या कॉज थे, तो याद रखना है पहला पॉलिटिकल कॉज, राजनीतिक, राजनीतिक कारण, दूसरा
इकोनॉमिक कॉज आर्थिक कारण। थर्ड देखना है हम लोगों को, थर्ड देखेंगे सामाजिक धार्मिक कारण, सोशियो कल्चर कॉज। नेक्स्ट देखना है सैनिक कारण। फिफ्थ देखना है हम लोगों को तत्कालीन कारण, अर्थात इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, ये हम लोगों को पता है इमीडिएट इफेक्ट के बारे में, तत्कालीन कारण के बारे में, कि यही हम लोगों को पता है कि एक इनफील्ड राइफल 1856 में दिसंबर 1856 में यूज़ किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसमें जो गोली थी या कार्ट्रिजेस इंग्लिश में बोलते हैं, वो गाय और सुअर के चर्बी से बनी थी। ठीक है, ये एक जो है आपका इमीडिएट कॉज है, तत्कालीन कारण रहा, जिसके वजह से सारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ। ठीक है, बट बहुत सारे कारण ये कारण रहे जिसके वजह से ये कुछ समय के लिए सक्सेस रहा, कुछ समय के लिए, याद रखिएगा मैं बोल रहा हूँ वर्ड कुछ समय के लिए। ठीक है, याद रखना क्या है, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, आर्थिक कारण रहा, सामाजिक कारण रहा, ठीक है, सोशियो कल्चर कॉज रहा, सैनिक कारण रहा, तत्कालीन कारण रहा, जिसे हम लोग इमीडिएट इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सभी को समझेंगे। पहला हम लोग को याद रखना है राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज क्या है भाई, राजनीतिक कारण क्या रहा, हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले डलहौजी के बारे में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि डलहौजी एक जगह है इंडिया में, कहाँ पर है वो, किस स्टेट में है वो, आप लोगों को बताना है डलहौजी जगह है। ठीक है, वैसे डलहौजी की जो है हड़प नीति जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें क्या होता था कि अगर कोई राजा का अगर कोई संतान नहीं है और वो उसका संतान नहीं है तो वो गोद लिए हुए अपने संतान को, बच्चे को राजा नहीं बना सकते हैं। अगर वो गोद लिए हुए बच्चे को राजा बनाने की कोशिश करेंगे तो हड़प नीति के तहत वो अधीन हो जाएगा ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाएगा, उसको ले लिया जाएगा। ठीक है, ये एक कारण बहुत रहा। ठीक है, कि राजनीतिक कारण में सबसे बड़ा ये कारण रहा हड़प नीति, जो कि डलहौजी के द्वारा लाया गया था। इसमें क्या हुआ, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कौन कौन से जो स्टेट रहे या जो कौन कौन से जो क्या कहते हैं रियासतें रहीं, उनको लिया गया, जैसे सतारा, अवध बहुत इम्पोर्टेंट, अभी बताते हैं इसके बारे में, झांसी एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट अभी अवध का है। अवध में के एक्चुअली 75,000 अप्रॉक्स सैनिक अंग्रेज में थे, अंग्रेज़ों की सेना में 75,000 जो सैनिक भर्ती थे हिंदुस्तान के, वो अवध से आते थे। जब यहाँ के राजा, जो कि लास्ट राजा हम लोग को पता है कौन थे, वाजिद अली शाह
अली शाह। ठीक है, अवध समझ लीजिए पूरा यूपी है, अवध यूपी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जब अवध को हड़प नीति के तहत पूरा कब्जा कर लिया गया तो वहाँ के जो 75,000 जो सैनिक थे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो भी अफेक्टेड थे, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, अभी हम लोग इकोनॉमिक कॉज में पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ पे कर जो वसूली होने लगी, टैक्स वसूली होने लगा, बहुत ज़्यादा होने लगा, जिससे कारण और इनकी इनकी जो कमाई थी वो भी ब्रिटिश सोल्जर्स में सबसे कम हुआ करते थे। इंडियन सैनिकों को बहुत कम मिलता था पैसा एज़ कंपेरिजन टू ब्रिटिश सोल्जर। तो इसके तहत भी इनके अंदर रोष पैदा हो रहा था, ठीक है, जो कि एक बड़ा कारण था। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें एक और था, यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ इसको, सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस मतलब सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि, सहायक संधि। ठीक है, ये किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था, जो कि गवर्नर जनरल था। इसके तहत क्या होता था, जो भी हुकूमतें थीं वो सब्सिडरी अलायंस के तहत क्या होता था कि उनको अपने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी वो अपने अधीन कर लेती थी। ठीक है, पूरा मतलब कंट्रोल कर लेती थी, पूरे उसके साम्राज्य को कंट्रोल कर लेती थी। ठीक है, तो उसके तहत सहायक संधि वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसी के तहत ही अवध पे भी कब्जा किया गया, बाकी सतारा झांसी सारी ये चीज़ें थी, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ, सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि और हड़प नीति, ये सारी चीज़ें एक बड़ी वजह थी जो कि राजनीतिक कारण थी। हम लोग आगे देखते हैं इकोनॉमिक कारण को लेके, आर्थिक कारण देखते हैं। आर्थिक कारण था कर में वृद्धि होना, कर में, क्योंकि जो साम्राज्य अंग्रेजों के द्वारा अधीन कर लिए गए वो क्या हुए, वहाँ पे हाई टैक्स इम्पोज कर दिए गए। ठीक है, तो क्या हो गया, कर में वृद्धि होने के कारण जितने भी सैनिक थे जिनके परिवार वहाँ रहते थे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से अफेक्टेड हो रहे थे। ठीक है, उद्योगों का पतन होने लगा, उद्योगों का पतन, इस तरह से जो है जितने भी ज़मींदार होते थे, मजदूर होते थे, पीजेंट होते थे, उनके अंदर भी एक गजब का रोष पैदा हो गया था, उद्योगों का पतन। अकाल पड़ने के बावजूद भी अंग्रेज जो है कर वृद्धि में, कर में माफ़ी नहीं करते थे, वो कर लगातार बढ़ाए रखते थे, जिससे एक रोष का कारण बन गया था। किस में बीच कारण बन गया था, याद रखना है, पीजेंट मतलब श्रमिक या किसान, जमींदार, इन लोगों में रोष का कारण बनने लगा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। हमको पता है कि हमारा जो पहले का समाज था वो बहुत रूढ़िवादी था, जिसमें सती प्रथा चलती थी, जिसे हम लोग पता है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ख़त्म किया, राजा राम मोहन राय ने इसमें बहुत योगदान दिया, विधवा पुनर्विवाह, ये सारी चीज़ें जो है एक रूढ़िवादी जितने लोग थे उन लोगों को आहत करके कि ये हमारा कस्टम है, इससे हम लोगों का जो है कस्टम से जुड़ा हुआ है, ये चीज़ें ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के बाद भी उन लोगों का अंदर रोष था, जितने भी रूढ़िवादी लोग हुआ करते थे, इसलिए जितने भी वो लोग थे अंग्रेज़ों के खिलाफ रिबेल करने को तैयार हो गए। ठीक है, तो सती प्रथा का ख़त्म होना, जैसे इसमें नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह,
ये सारे कारण भी थे, एक सामाजिक और धार्मिक कारण के तरह ये भी थे, जिसमें रूढ़िवादी जितने जनता थी, रूढ़िवादी लोग थे, जो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि ये चीज़ें हमारे से हमारे अब समाज और धर्म का हिस्सा नहीं रही, ठीक है। तो उनके अंदर एक रिबेल की भावना जाग रही थी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर हुआ क्या, 1813 में एक चार्टर पास हुआ जिसके अंदर ईसाई धर्म प्रचारक, ईसाई धर्म प्रचारकों का आगमन हुआ, जिससे कन्वर्जन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके तहत भी लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था अपने धार्मिक और अपने सामाजिक चीज़ों को लेके, जो कि हमें रिवोल्ट ऑफ 1857 में नज़र आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सैनिकों के प्रति जो रोष था उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। 5:1 मतलब 5 सैनिक हिंदुस्तान के, इंडिया के, और 1 सैनिक ब्रिटिश का, ये रेशियो हुआ करता था। इससे क्या हुआ, इसमें क्या होता था कि ये जो एक ब्रिटिश का सैनिक है, इनको फेयर इनकम मिलता था, इनके साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाता था। लेकिन वहीं इंडिया के जितने भी सैनिक थे, जो लोग थे, उनके साथ भेदभाव होता था, उनको गलत गलत अपमानजनक बातों से उनको डिनोट किया जाता था, बुलाया जाता था, और इनकी सैलरी भी कम थी, बहुत शोषण किया जाता था, ठीक है। ये बहुत एक्सप्लॉयटेड थे शोषित, ठीक है। अच्छा, और एक कारण मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि अवध जो है, अवध को 1856 में अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिया, और अवध से सबसे ज़्यादा सैनिक आया करते थे, करीबन 75,000 सैनिक थे, जो कि बहुत आहत थे अपने जगह को अधीन होते देख, ठीक है। आगे हम लोग इसमें एक चीज़ जानते हैं कि पहले के लोगों में एक ये होता था कि अगर वो अपना गांव को पार, मतलब उनके नदी जो होती थी, अगर वो पार करके दूसरे जगह जाते हैं तो उनको जो है धर्म से उनको निष्कासित किया जाता था। इस चीज़ का उनके अंदर जो है ये चीज़ें थी, और अंग्रेज उनको बाहर भेजते थे ताकि जिससे उनके अंदर रोष पैदा होता। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी जो कि सैनिकों के अंदर रोष पैदा कर रही थी। नेक्स्ट देखते हैं तत्कालीन कारण हम ऑलरेडी बता चुके हैं। क्या था तत्कालीन कारण ये था कि इनफील्ड राइफल का यूज़ होने लगा था 1856 में, दिसंबर 1856 में इनफील्ड राइफल का यूज़ होने लगा, जिसमें जो गोली थी वो गाय और पिग के फैट से बनी हुई थी। ये एक रूमर था, जो कि सबसे बड़ा कारण रहा, तत्कालीन कारण रहा रिबेल में, ठीक है। आज का क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।